गुड मॉर्निंग क्लास 7 हिंदी मीडियम चैप्टर नंबर 3 चल रहा है आपका विंडोज एक्सपी फाइल संगठन। बात करते हैं अतिरिक्त प्रश्न उत्तर की। डियर स्टूडेंट्स, आप जब भी कोई वीडियो देखें मोबाइल से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो जिससे आंखों को कोई नुकसान ना पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 4, किसी फोल्डर से पहले वाले फोल्डर पर जाने के लिए क्या करना होगा। देखिए, अगर आपने कोई फोल्डर खोला हुआ है, आप MS वर्ड में किसी भी फाइल में आपने कोई फोल्डर ओपन किया हुआ है और आप चाहते हैं कि उससे पहले आपने क्या फोल्डर में काम कर रहे थे या आप क्या चीज़ कर रहे थे उससे पहले, तो आपको करना क्या है, किसी फोल्डर से पहले वाले फोल्डर पर जाने के लिए जो जिस विंडो में आप काम कर रहे हैं उसमें होती है टूल बार। सबसे ऊपर तो टाइटल बार, फिर मेन्यू बार, फिर होती है आपकी टूल बार। उसमें एक बटन होता है अप बटन, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं कि आप इससे पहले वाला काम आप क्या कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, आप एक फोल्डर में कितने फोल्डर बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोल्डर होता क्या है। देखिए, फोल्डर बहुत सी फाइलों तथा अन्य और जो फोल्डर होते हैं उनका एक कलेक्शन होता है जिसमें आप क्या करते हैं, किसी भी फाइल या किसी भी प्रोग्राम को स्टोर करते हैं। हम एक फोल्डर में कितने भी मतलब आप अनेक फोल्डर तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो एक फोल्डर में जो अनेक फोल्डर जब आप तैयार करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सब फोल्डर, तथा किसी भी फोल्डर को उसके नाम से पहचाना जाता है। विंडोज में जो फोल्डर होते हैं उनके आइकन्स होते हैं तथा उनके नाम के द्वारा ही उनको पहचान सकते हैं। दोनों किसी भी आइकन के नीचे जो है नाम उसका लिखा रहता है। क्लियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं कट कॉपी पेस्ट तथा सेव की शॉर्टकट कमांड बताइए। सबसे पहले बात करते हैं कट। कट का मतलब होता है क्या है, जब आप किसी चीज़ को एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं जिस चीज़ को आप ले जाना चाहते हैं वो चीज़ वहाँ पर ना रहे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कीबोर्ड की कंट्रोल प्लस एक्स। अब आप चाहते हैं वो चीज़ कहाँ हो जाए, कॉपी हो जाए, जिस चीज़ को आपको मूव करना है, ले जाना है, नकल करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस सी। केवल ले जाने की बात कर रहा हूँ। उसके बाद चाहते हैं कि वो चीज़ वहाँ पे जाके स्थित हो जाए, पेस्ट हो जाए, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस वी। ये क्या है, आपके कंप्यूटर की जो कीबोर्ड है उसकी शॉर्टकट कमांड है। वैसे ये काम आप कीबोर्ड की सहायता से भी कर सकते हैं, लेकिन सॉरी माउस की सहायता से भी करते हैं स्टेप बाय स्टेप, लेकिन आप इस काम को कीबोर्ड से आप शॉर्टकट यानी लघुपथ है ये आपका कीबोर्ड के द्वारा। बात करते हैं सेव। सेव का मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई फाइल या फोल्डर बनाते हैं या कोई प्रोग्राम लिखते हैं आप उसको आगे यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी काम को सेव करना होगा, रक्षित करना होगा जिससे आप उसे आगे यूज़ कर सके। इसके लिए मुझे कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस प्रेस करना होगा जिससे आपका काम सेव हो जाएगा। ये वर्क आपको याद भी करना है, साथ साथ आपको लिख के मुझे कॉपी चेक कराएंगे। थैंक यू।